हेलो दोस्तों, ब्लैक फंगस ये नाम आजकल सुर्खियों में है और हर किसी की जुबान पे यही बात है कि ये ब्लैक फंगस क्या है, कहीं मुझे तो ब्लैक फंगस नहीं हो गया है। तो क्या आपको ब्लैक फंगस है या आपको हो सकता है? इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ पंजाब के दो वरिष्ठ आंखों के विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव दुग्गल दुग्गल आई हॉस्पिटल जलंधर से और डॉक्टर मनप्रीत सिंह ग्लोबल आई हॉस्पिटल पटियाला से हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैंने सोचा इनके साथ ब्लैक फंगस के बारे में कुछ विचार, कुछ चीजें आपके साथ साझी करें। तो इसके लिए हम आपके साथ एक छोटी सी वार्तालाप करने के लिए आज बैठे हैं। सो डॉक्टर संजीव दुग्गल, 30 साल से आप आंखों के इस प्रोफेशन में हैं, क्या इससे पहले आपने ब्लैक फंगस के बारे में इतना सुना था, इतना पढ़ा था, या आपने इतने मरीज देखे थे जितने अब देख रहे हैं, और इसका कारण क्या है? डॉक्टर कशिश, म्यूकोरमाइकोसिस कोई नई चीज़ तो है नहीं, ये बहुत सालों से एक तरह का फंगस है जो बहुत सालों से है। पर इतने मरीज जिनकी इम्यूनिटी कम हुई हो या जो इतने इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हो, इतने पहले हुए ही नहीं। इस कोरोना पैंडेमिक में जितने लोग कोरोना से इन्फेक्ट हुए हैं उनकी इम्यूनिटी लेवल डाउन चला गया, एक तो वायरस की वजह से, दूसरा उन्होंने स्टीरॉयड्स लिए उसकी वजह से, इतने लोग ऑक्सीजन पे रहे उसकी वजह से। इस फंगस को एक मौका मिल गया अपने आप को प्रेजेंट करने का। ये ब्लैक फंगस, इसको ब्लैक फंगस क्यों कहा जाता है, इसका नाम ब्लैक फंगस क्यों दिया जा रहा है, इसका जरूर बताइए हमें पहले। डॉक्टर कशिश, ये जो ब्लैक फंगस है इसका टेक्निकल नेम म्यूकोरमाइकोसिस है। इसकी जो कॉलोनीज होती हैं जहाँ जहाँ भी इन्फेक्शन करता है वहाँ पे ब्लैक कलर के मार्क्स छोड़ देता है। इसकी जो कॉलोनीज होती हैं वो काले रंग की होती हैं। तो जब भी इसका डायग्नोसिस होगा, इसको देखा जाएगा इस कंडीशन को, तो आपको ब्लैक कलर के मार्क्स दिखेंगे आईज़ के अराउंड, फेस पे या टूथ के ऊपर जो गम्स होते हैं उस पे, या नाक के अंदर या साइनसेस में। तो इस काले रंग के जो मार्क्स ये छोड़ता है जब इन्फेक्शन करता है, तो उसकी वजह से इसका नाम ब्लैक फंगस पड़ गया। तो हमें दो बात समझ आई है, ब्लैक फंगस नाम इसका दिया गया है क्योंकि ये काले रंग की कॉलोनीज करता है, उस जगह को काला कर देता है, और जिनका शरीर कमज़ोर पड़ जाता है इस कोविड इरा में या दवाइयों की वजह से या शायद कैंसर या किसी और वजह से, तो उनके लोगों में ये म्यूकोरमाइकोसिस फंगस होने का कारण बड़ा बन गया है आज की तारीख में। पर इसके लक्षण क्या है डॉक्टर साहब, इसको हम पहचानेंगे कैसे? पहली बात तो है, जो पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है उसका कोविड ठीक हो जाता है, वो घर चला जाता है, नाक उसका बंद हो जाना, नाक से पानी बहना, लगना कि नाक बहुत भारी हो गया है, ड्राई हो गया है, नाक से खून आना, आँख के इर्द गिर्द हिस्से में पेन होना, चेहरे पे दर्द होना, या पेशेंट को लगना उसकी आँख लाल हो गई है। अगर ये केसेस एडवांस हो जाते हैं तो आँख में लाली आ जाती है, आँख बड़ी बड़ी लगती है, आँख की मूवमेंट्स जो होती हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, दिखना कम हो जाता है और बंदा अपनी आँखें घुमा नहीं सकता, या कहता मुझे डबल डबल दिखता है। तो ये सिम्टम्स आते हैं पेशेंट में जिनको म्यूकोरमाइकोसिस होता है। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है कि पेशेंट को केयरफुल रहना चाहिए, जो भी पेशेंट कोविड से बाहर निकला है तो उसको एक बार तो अपने सारे सिम्टम्स, जब भी कोई ऐसा सिम्टम आए तो उसको डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी आना चाहिए। हाँ, अर्ली स्टेज पे डायग्नोस होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, किसी भी अगर मरीज़ को कोई भी ऐसा सिम्टम आता है, ज़रूरी नहीं है कि वो म्यूकोरमाइकोसिस हो, बट हमें उसको हमेशा एक सस्पिशन रख के चलना है। अगर आपकी इम्यूनिटी कम हुई है पिछले दिनों में, आप बीमार थे, आपको स्टीरॉयड का कोर्स या कोई इम्यूनोसप्रेसेंट चले हैं, या आपको ऑक्सीजन वगैरह लगी है काफ़ी देर के लिए, आप वेंटिलेटर पे थे, तो आपके म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस काफ़ी हैं। ये नहीं कि हर पेशेंट को जिसकी आंखें लाल होंगी, जिसको दर्द होगा, जिसका नाक सूखेगा, जिसको नाक बहेगा, उसको म्यूकोरमाइकोसिस ही होगा, ऐसा नहीं होता। बट येस, एनी पेशेंट जिसकी भी इम्यूनिटी कम हुई है उसको एक हम स्ट्रॉन्ग सस्पिशन देख के चलेंगे कि उसको म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। डॉक्टर साहब, मेरे को लगता है कि पेशेंट की, जैसे आपने बोला, प्रॉपर हिस्ट्री, उसका डायबिटीज़ कंट्रोल, उसका स्टीरॉयड यूज़ कम से कम होना चाहिए। हमारे देश में बिकॉज जो दवाइयां हैं वो ओवर द काउंटर मिलने की वजह से, या शायद मरीज एक दूसरे से पूछ के कि आपको क्या दवाई चला, या वही ले रहते हैं, पर वो ये बात नहीं समझ पाते हैं कि कोई भी दवाई कितनी मात्रा में, कितने दिन के लिए, कब देनी है, वो एक एक्सपर्ट डॉक्टर ही बता सकता है। तो उसको छोड़ के जब वो शुरू कर देते हैं तो उसकी वजह से केस और बिगड़ जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरी बात, हमारे एग्रीकल्चर बेल्ट है जहाँ पे लोग ज़्यादा खेतों में काम करते हैं,
तो और ये फंगस जैसे हमने देखा है ये ज्यादातर पत्तों में, फूल पौधों में, गार्डन्स में, वहां पे पाई जाती है। तो शायद इसलिए मेरे ख्याल से हमें ये सब सुझाव देना जरूर चाहिए कि इस टाइम पे जब ये फैली हुई है तो ये आदमी से आदमी को नहीं फैलती जैसे कोविड फैलता है, पर ये फूल पत्तों से और गार्डन से, डिकेइंग मैटर से फैल सकती है। तो इस टाइम पे हमें वो चीज करनी कम कर देनी चाहिए, कूलर की जगह एसी या पंखे का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे जरूरी मेरे ख्याल हम लोगों को चाहिए कि जब आजकल के मौसम में निकले तो अपने पूरे कपड़े पहन के निकले, अपने आप को ढक के जाएं, पूरी कमीज, पूरी बाजू की, पूरी नीचे तक पैंट डालें और जूते डाल के बाहर जाएं, ताकि हमें ये जो स्पोर्स हैं जो हवा में घूमते हैं या हमारे आसपास होते हैं वो हमारे शरीर के पास ना आए। वापस आने के बाद साबुन और उससे अपने अंगों को धो लें अगर हम कभी मिट्टी में या उसमें काम करके आए। तो इतनी छोटी छोटी बातों से हम अपने आप को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। अगर किसी मरीज को सिम्टम आते हैं तो वो अपने विशेषज्ञ को दिखाएं, खुद इलाज करने की कोशिश ना करें, अपने किसी दोस्तों को मत पूछे कि इसका क्या करना है, कृपया विशेषज्ञ के पास जाएं और उससे इलाज करवाएं। बिल्कुल, अगर उसको जल्दी पकड़ लिया जाए तो इसका इलाज संभव है और काफ़ी आसान है, पर अगर ये पकड़ में लेट आएगा तो इसका इलाज बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अर्ली डिटेक्शन इज द की। तो यही एक मैसेज हमारे दर्शकों को, हमारे मित्रों को, दोस्तों को जाना चाहिए कि जब भी आपको ऐसी कोई चीज़ लगे, जब भी जो हमने बात की है उससे आपको कभी भी लगे कि आपको इसका इफेक्ट आ रहा है, तो कृपया करके जैसे डॉक्टर संजीव दुग्गल जी और डॉक्टर मनप्रीत सिंह ने बताया कि अपने विशेषज्ञ आँख, नाक, कान, गले वाले डॉक्टरों को ज़रूर मिले। यही इसका एकमात्र तरीका है, इससे हमें लड़ना है, इससे हमें डरना नहीं है।